आगे है आपका बोथ पार्टिकल्स ए एंड बी एट टी इक्वल्स टू जीरो, बोथ पार्टिकल्स ए एंड बी एट टी इक्वल्स टू जीरो आर लोकेटेड एट पॉइंट, आर लोकेटेड एट पॉइंट जीरो मीटर फिफ्टी मीटर, ठीक है बढ़िया, जीरो मीटर फिफ्टी मीटर, जीरो मीटर और फिफ्टी मीटर, क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है। द पार्टिकल बी मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड पार्टिकल ए मूव ऑन अ सर्कल गिवन बाई एक्स स्क्वायर बाई 2500 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2500 इक्वल टू वन विद द स्पीड ऑफ 5 पाई मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी सो दैट बोथ पार्टिकल हिट साइमल्टेनियसली एट 50 मीटर एंड 0 मीटर। ओके, 50, 0 यहां पर। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये क्या है, क्वार्टर सर्कल है। क्वार्टर सर्कल का मतलब कितना होगा, 2 पाई आर बाई 4 यानी पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2। इतना डिस्टेंस चलने के लिए डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू स्पीड कितना है, 5 पाई, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है, 50, तो पाई इंटू 25 डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू 5 पाई, पाई से पाई खत्म, टी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड में ये यहां से पहुंच जाएगा यहां, इतना ही सेकेंड में इसको भी यहां से यहां पहुंचना है, और इसका पाथ ये है और ये 50 है, ये भी 50 है, तो ये 50√2 होगा, कितना होगा, 50√2, यानी कि जो डिस्टेंस कवर करना है उसको वो 50√2 डिवाइडेड बाई टाइम कितना होगा, 5, और ये वेलोसिटी कितनी होगी, हमें वही तो निकालना है। तो वी बी, ये वी बी है भैया, ये कितना हो गया, 10√2 वी बी इक्वल टू, वी बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 10√2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा हाँ 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 हाँ, वीवी निकालना है मुझे, 10√2 इसका इधर मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10√2 का अब इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10i और ये हो जाएगा 10 माइनस ऑफ j। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10i कैप माइनस 10j कैप, आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।